मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। फर्जी वोट डलवाने का आरोप लगाते हुए मेरठ शहर के कांग्रेस प्रत्याशी रंजन शर्मा के समर्थकों ने भाजपा प्रत्याशी की मेज पलट दी। सूचना पाकर रंजन शर्मा भी वहां पहुंच गए और दोनों तरफ से हाथापाई हो गई। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक एक दूसरे को भुगत लेने की धमकी बराबर देते रहे। थोड़ी देर बाद ही भारी फोर्स वहां पहुंच गया और हालात को बिगड़ने से पहले ही हल्का बल प्रयोग कर काबू में कर लिया। रंजन शर्मा के समर्थकों का कहना था कि उनके लोगों की वोट पहले ही भाजपा के लोग अपने लोगों से डलवा रहे हैं, इसी को लेकर यह विवाद हुआ। यह घटना गुरु नानक नगर में गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के बाहर हुई। उधर सरधना के सलावा गांव में दलित समाज के लोगों को वोट न देने व उन्हें मारपीट कर घायल करने का मामला सामने आया है। नवीन पंचायत स्थित मतदाता केंद्र पर आज दलित समाज के दो लोगों को पीटते हुए अधमरा कर दिया गया। दोनों को घायलों को पीएचसी सरधना लाया गया है। घायल के साथ ही वह घायल ने यह जानकारी दी। वोट डालने जा रहा था और वोट डालने जाके बस बूथ के धोरे में पहुंचा था भाई, एकदम से 15-20 लड़ गए आधा साढ़े भगसड़ के चमार वो तो बजाना शुरू कर दिया मुझे पकड़ के भाई। अब बजा बहुत क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। किस वजह से वोट डालने दे रहे थे या वोट चमारों को वोट डालने नहीं दे रहे? चमारों को नहीं, वोट डालने नहीं दे रहे वहाँ पे। ये भैया है सुबह इसके साथ डबा, ये कि हमारे परिवार के ही साथ। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी, क्या घटना घटी है आज तुम्हारे साथ में? सर ने जैसे पोलिंग पे गया वोट गिरने के लिए तो ये चमार चढ़ता कह के उन्होंने अलार्म का आवाज गिरवाने हमारे को। कौन लोग थे वे? वे ठाकुर लोग भाजपा समर्थक। आप किसके तरफ से थे? हाँ जी, दलित समाज से। दलितों को वोट नहीं डालने दे रहे। कौन से गांव का मामला है? ग्राम सलावा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।